जय श्री राम जय हनुमान आज की अयोध्या प्रकार है नाथ सरल चित, सील सने है निधान, सब पर प्रीत प्रतीत जी जा नहीं आप समान हे नाथ आप परम सुहृदय बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं सरल हृदय तथा सील और इस नेह के भंडार हैं आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बसे हो जनाई भरत नीत रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल परंतु जीव प्रभुता प्रकट कर देते हैं भरत नीत परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है इस बात को सारा जगत जानता है चले धर्म मरे जाद मिटाई कुटिल को राम बने कु भरत जी आज श्री रामचंद्र जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं कर मंत्रु मन साझ समाज आये करे अकंटक राजू कलप कटुलाई आये दल बटोरी दो भाई अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं कणों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं जाओ जी होती ना कपट कुचाली कही सुहाती रथ बाजी गजाली भरत दोष दे को जाए जग बौराई राज पद पाए यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसी सुहाती परंतु भरत व्यर्थ कौन दोष दे राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है सस गुर गी न घुस चढ़ जान लोक बेद ते भा अधम न बेन समान चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया सूर्य नाथ त्रिशंकु कही न दीन है कलंकु भरत कीन है यह उचित उ त्रिपुरी निरंजन राखव का सहस्र भाव देवराज इंद्र आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया भरत ने यह उपाय उचित ही किया क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए एक की समुझ पर ही सो आज समर सरो राम मुख पे हाँ भरत एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया पर आज संग्राम में श्री रामचंद्र जी का क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से ही आ जाएगी जय श्री राम जय हनुमान आज की अयोध्या कथा में बस इतना ही हर हर महादेव